मेरे हिसाब से दो टाइप की कॉम्प्लेक्स मूवीज होती हैं। पहली कॉम्प्लेक्स मूवी वो होती हैं जिनको आप देखते हो, कॉन्सेप्ट बहुत ग्रैंड होता है, वेरी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट जो बहुत इजीली अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, बट एज यू आर वॉचिंग द मूवी यू गेट सो एक्साइटेड एंड इंट्रीग्ड कि जैसे मूवी खत्म होती है आप 10 आर्टिकल पढ़ते हो, आप एक्साइटेड होते हो कि आई विल वॉच इट द नेक्स्ट टाइम एंड आई विल अंडरस्टैंड मोर थिंग्स। दूसरी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स मूवीज वो होती है कि आपने देखी, आपको ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, बट यू लूज इंटरेस्ट, you never revisit the film because you don't care about it anymore. And today I want to talk about Tenet. आपको कुछ देर में समझ आ जाएगा कि Tenet कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है. Before I talk about the things I did not like about Tenet, I also want to talk about the things I loved about Tenet. Tenet में एक जो element मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था is the acting of Robert Pattinson. Seeing him act in Tenet made me more excited about the upcoming Batman film. He was just totally into it and like मेरे को कहीं भी उनकी acting नहीं खटकी. Another character surprise जो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई मूवी में, दैट वाज डिंपल कपाड़िया. डिंपल कपाड़िया की भी एक्टिंग मेरे को, मैं डर रहा था कि यार व्हाट इफ, क्योंकि जब ऐसे इंडियन एक्टर्स बाहर की किसी फिल्म्स में यूज किए जाते हैं एक्सेंट या बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बट लाइक मेरे को डिंपल कपाड़िया की एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगी. म्यूजिक एट सम प्लेसेस वाज अमेजिंग, स्पेशली एक सीन आता है एक ट्रक के अराउंड, एक सीन होता है हाईवे पे, उस सीन का म्यूजिक मेरे को अभी भी याद है. अदर सीन्स आई लाइक्ड वर सम ऑफ द एक्शन सीक्वेंसेस. आप में से शायद कुछ लोगों को पता हो नोलन हैड ब्लोन अ फुल ब्लोन एरोप्लेन फॉर दिस मूवी, क्योंकि जब बजटिंग हो रही थी इस पिक्चर की उनको रियलाइज हुआ जो वो अटेन करना चाहते हैं वो सीजीआई में महंगा पड़ेगा, तो उन्होंने असली प्लेन लिया और उसको एक्सप्लोर किया, तो वो जो सीन है इट्स अगेन वेरी ग्रेट. ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मूवी में मेरे को पसंद आई, बट ये हो गई बात उन एलिमेंट्स की जो मुझे मूवी में पसंद आए थे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थिंग्स आई डिड नॉट लाइक इन द मूवी. बहुत सारी चीजें हैं तो दिल थाम के बैठी है. लाइक आई सेड इन द स्टार्टिंग, दो टाइप की कॉम्प्लेक्स मूवीज होती हैं. पहली हो गई जैसे इंसेप्शन, मेरे को पहली बारी में कभी समझ नहीं आई थी, बट इट्स सच अ नाइसली मेड फिल्म. जब भी मैंने रिविजिट की थी 2010 onwards, I learned something new about it every time. And it's still a movie that I would love to revisit even now. वो भी ढाई घंटे की थी, Tenet भी ढाई घंटे की है. But Tenet is not Inception. Tenet is not intriguing as Inception. Tenet might be as grand as Inception, but Tenet is not as good as Inception. And that is the sad reality. And hence, Tenet falls into category number 2. सब कुछ grand है, आपको पता है complex चीज़ है, but For me, at least me, I don't want to revisit it again. मैं bore नहीं हुआ movie देख के, कुछ ना कुछ हमेशा हो रहा था, so I was intrigued. But I wasn't intrigued enough to read anything about it. I read about what other people said about it, but I never read कि ये चीज क्यों है, अच्छा ये रिवर्स था, ओ अच्छा वर्ल्ड वॉर 3, अच्छा ये चीज ये हम टाइम मशीन से लाए. इट्स जस्ट समथिंग दैट आई कुडंट गेट इनटू. आई विल टेल यू वन ऑफ द रीजंस व्हाई दिस मूवी डिड नॉट वर्क फॉर मी, एंड इट हैज टू डू विद द राइटिंग and specially the dialogue writing. मैं आपको example देता हूँ, I kid you not, these are the dialogues in the movie. मैंने pause की दिया कि Amazon Prime पे आ गई ये movie तो आप भी देख सकते हैं. The villain of the movie at one point tells his wife, like he beats his wife, and जो भी cliches सारे हमारे villainish elements होते हैं उनमें थे, and like wife उनसे डरी हुई है और वो उनको बोलता है एक belt उठा के, if I can't have you, no one else can. And I was like seriously bro, क्योंकि उस level पे मेरे को लगा कि ये काफी बाजीगर टाइप डायलॉग है, एंड आई वाज लाइक कि चलो माफ कर दिया, एक ही डायलॉग है. देन कम्स अनदर सीन वेयर द थ्री मेन प्रोटैगनिस्ट्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, लाइक इफ दिस हैपेंस द वर्ल्ड विल एंड. एंड जो हमारी फीमेल प्रोटैगनिस्ट है वो बोलती है इंक्लूडिंग माय सन. आई वाज रीडिंग अबाउट इट ऑन रेडिट एंड पीपल हैव लेजिट रिटन कि जब वो सीन थिएटर्स में प्ले हो रहा था लोग हंसने लग गए थे, बिकॉज इतनी कैरिकेचरिश राइटिंग थी कि इंक्लूडिंग माय सन, मतलब बिकॉज सन को कभी ऐसे अलग से एज कैरेक्टर उनकी कोई डेवलपमेंट भी नहीं हुई, और आप एकदम से इंक्लूडिंग माय सन बोलते हो बहुत ज़्यादा खटकता है. लास्ट में एक डायलॉग आता है बिकॉज आई एम द प्रोटैगनिस्ट, एंड आई एम लाइक यार क्या चल क्या रहा है ये, मतलब इट्स लाइक कि आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू लाइक दिस फिल्म, बट लाइक डायलॉग्स लाइक दीज रियली मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. मैं पहला हाफ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था मूवी का, लाइक आई वॉज टोटली इंटू इट फॉर द for good 1 hour, 1 hour 15 minutes. But suddenly चीज़ें फिर जैसे time travel वाला element बहुत ढंग से आता है, चीज़ें इतनी complex हो जाती हैं. उसमें एक dialogue है film में, don't try to understand it, feel it. Again a dialogue है, I'm like Nolan भाई कर क्या रहे हो, मतलब आप हमें feel करने के लिए बोलोगे तो, मतलब inception में एक पूरा का पूरा scene है
लाइक फॉर लाइक 15-20 मिनट्स दे हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ स्टोरी टेलिंग, क्योंकि उनको किसी के ड्रीम में जाके एक आइडिया प्लांट करना होता था. सो दे यूज टू टॉक अबाउट लाइक कि ये वाला आइडिया इतना अच्छा नहीं है, इट्स नॉट बिग इनफ कि इससे कि आर्क मतलब रियलाइजेशन आएगी वगैरह. तो स्टोरी के एलिमेंट्स सब पता था इन लोगों को. इंसेप्शन में उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किए थे, इंसेप्शन में ग्रेटली एग्जीक्यूट भी किए थे, दैट इज वाई इंसेप्शन वॉज वॉट इट वॉज. टेनेट में आई थिंक कॉन्शियसली इन लोगों ने ट्राई किया कि दे कैन डू विदाउट इट, बट आई एम सॉरी टू से फॉर मी इट रियली डिड नॉट वर्क, एंड आई एम नॉट इवन श्योर इफ आई वुड वॉन्ट टू रिकमेंड इट, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि यार मतलब इट्स वर्थ द वॉच. हैविंग सेड दैट, ढाई घंटे की पिक्चर में बोर कभी भी नहीं हुआ, बट इट्स जस्ट दैट कि भाई वापस तो नहीं आ रहा मैं यहाँ पे. एंड एक लेवल के बाद मूवी बहुत ज्यादा सेल्फ इंडल्जेंट हो जाती है. लास्ट 30 मिनट्स डूड मैं आई जस्ट सैट थ्रू देम, आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट एनीथिंग. अच्छा देखो मरना है मर जा, जो ना हो जा, आई जस्ट कुडंट केयर अबाउट देम एंड आई वाज टोटली सक्ड आउट ऑफ द मूवी, विच इज सैड. आई वाज रियली रियली रूटिंग फॉर इट, आई वाज रियली रियली रूटिंग टू लाइक दिस फिल्म, बट That just couldn't happen. So हाँ मैं थोड़ा sad हूँ कि मेरे को पसंद नहीं आई इतनी जितनी आनी चाहिए थी, but it again made me appreciate the Nolan movies इससे पहले की बहुत ज़्यादा. Prestige, Inception and Interstellar, मतलब मेरे को उनकी अब थोड़ी ज़्यादा इज्जत है. और एक जाते जाते एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी स्टडी किया इसके बारे में. Nolan की मूवीज़ में क्या होता है ना, एक्शन सीक्वेंसेस में ना ब्लड नहीं दिखाता वो कभी भी. उसका वो भी रीज़न हो सकता है एडल्ट रखनी है, या मतलब कि एडल्ट मूवी नहीं रखनी होगी तो वो ब्लड नहीं दिखाते. बट बाय डूइंग दैट ही इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एक्शन सीन्स, एंड एज एक्शन सीन्स आर बिकमिंग गिमिकी, दे आर लिटरली बिकमिंग गिमिकी. नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर वॉचिंग टेनेट, कोई भी पिकअप एनी सीन एंड यू विल सी गन चल रही है तो गन ऐसा लग रहा है यू नो इट्स फेक. जब कोई किसी को मुक्का मार रहा है यू नो इट्स फेक. देखो जब जॉन विक टाइप का जब एक्शन देखने को मिल रहा है ना, सो व्हेन जॉन मतलब व्हेन एक्शन इज नॉट डन राइट ना, नोटिस हो जाता है. और मैं तो ये चीज़ नोलन की मूवीज में बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ कि एक्शन सीन्स 80% ऑफ द 70% ऑफ द टाइम्स आर वेरी वेरी गिमिकी, एंड इट्स लाइक स्केयरली गिमिकी. क्योंकि आपको पता है जब उसने उसको मुक्का मारा यू कैन टेल उसके नहीं लगी है. There are so many scenes like this in this film. Again, he has done it right in past. आपको जोकर का वो सीन याद होगा डार्क नाइट में, वेयर वो एक बंदे को एक पेंसिल से मारता है. अब उसमें भी ब्लड नहीं है, बट लाइक बाय द होल इमेजरी दैट यू इमेजिन इन योर माइंड, आपको पता है उसको लगी होगी और वहाँ पे साउंड डिजाइन अच्छा था. यहाँ पे अगेन इट्स अ मिक्सचर ऑफ द बैड साउंड डिजाइन एंड अ बैड लॉट ऑफ थिंग्स की वो वर्क नहीं किया. देयर वाज दिस रिव्यू जो अगेन बहुत हाईलाइट हुआ है, लोग टेनेट की साउंड मिक्सिंग के बारे में इतना क्यों बोल रहे हैं, एंड द गाय सेड सी आई डोंट गिव अ फक अबाउट साउंड मिक्सिंग, सो इमेजिन इट हैज टू बी दैट बैड For me to give a fuck about it. लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है साउंड मिक्सिंग की, डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे. मैंने तो सब टाइटल्स के साथ देखी थी, तो आए मतलब माई वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स इन सिंगापुर, ही टोल्ड मी कि सब टाइटल्स के ना गलती से भी मत देखना. अगेन बिकॉज इट हैज़ बीन सेड कि इट हैज़ बीन वेरी पुअरली मिक्सड. मेरे को ये चीज़ इतनी नोटिस नहीं हुई बिकॉज अगेन आई हैड द सब टाइटल्स ऑन एंड आई मैंने हेडफोन्स के साथ देखी थी, बट मेजरली दुनिया में लोगों को ये दिक्कत हुई है. सो येस आई रियली थिंक ही कैन मेक ग्रैंड एक्शन सीन्स, बट जो ढिशुम ढिशुम जब जो पंच जब लैंड करता है, गाइस बॉर्न सुपरमेसी और बॉर्न अल्टीमेटम के जाके आप फाइट सीन्स देखो, जब पंच लैंड करता है तो कैसे करता है, मैं बता रहा हूँ कि इतना नाइसली जब मैंने देखा हुआ है ना एक्शन सीन्स को, तो उसके बाद मैं टेनेट में झूठे एक्शन सीन्स नहीं देख सकता. इट वॉज मतलब ऐसे मेरे को पता चल रहा है कि दिस इज नॉट राइट, इट इज़ फेक. And there were so many elements like this. Again, I would give a lot of marks for the intent, but for everything else, अगेन मेरे को समझ आ सकती है वापस देखूंगा तो, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट वॉन्ट टू वॉच इट अगेन. दिस वॉज माई रिकमेंडेशन, नॉट माई रिकमेंडेशन, आई एम सॉरी. दिस वॉज अ वीडियो आई वॉन्टेड टू मेक अबाउट टेनेट बिकॉज आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट. आई वॉच्ड इट, कॉमेंट्स में बताइए आपको कैसी लगी, क्योंकि बहुत पोलराइजिंग ओपिनियंस है लोगों को टेनेट के बारे में लेके. आप मुझे बताइए आपको कैसी लगी, डिस्कस करते हैं लंबे लंबे डिबेट्स करते हैं कॉमेंट्स में. And I'll be back with more videos in the coming weeks. If you like our work, do subscribe to us, become our patrons. We have now more than 80 patrons or we are trying to reach the 100 mark very soon. So patron baniye, bahut sare perks dete hai. You will get to read about them when you will click on the join button. And I'll see you guys soon. Bye.